हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डोजो ट्रेनिंग के बारे में। ड्यूरिंग दिस सेशन आई विल कवर व्हाट इज डोजो एंड व्हाई डोजो रिक्वायर्ड एंड काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड इन डोजो एंड स्टेप्स फॉर डोजो इम्प्लीमेंटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ डोजो। सो प्लीज बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज दिस इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक that must be implement in manufacturing industries, whether it may be automotive or non-automotive। दोस्तों, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। इफ़ यू नीड टू ग्रो इन योर करियर एंड नीड टू बिल्ड अप ए स्मार्ट करियर, यू कैन जॉइन आवर डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक। फर्स्ट लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डोजो। डोजो इज ए जैपनीज टर्म, इट मीन्स ट्रेनिंग रूम और प्लेस ऑफ ट्रेनिंग वेयर वर्क रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड टू द न्यू एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो दोस्तों, डोजो जो है जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रेनिंग प्लेस और ट्रेनिंग रूम। दिस इज द डोजो ट्रेनिंग रूम, हेयर ट्रेनर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू ग्राउंड स्टाफ, मीन्स हेयर ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग द वर्कर्स। इन दिस डोजो रूम ट्रेनर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग्स टू द सीनियर स्टाफ। नाउ लेट डिस्कस व्हाई डोजो रिक्वायर्ड। डोजो इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज। सो फ्रेंड, डोजो का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एम्प्लॉयज की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। नाउ लेट डिस्कस व्हाई डोजो अडॉप्ट इन इंडस्ट्रीज। उद्योगों में डोजो को क्यों अपनाया गया। पहले फैक्ट्री में कोई नया वर्कर आता था तो उसे बिना किसी प्रशिक्षण के सीधा कार्य पर लगा दिया जाता था, जिससे उसे कोई कार्य को समझने में काफ़ी समय लगता था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा, उसको यह नहीं पता होता था कि कार्य करते समय किस प्रकार की सुरक्षा लेनी है और कार्य करते समय सुरक्षा क्यों जरूरी है, जिससे कई बार कर्मचारी कार्य के दौरान घायल हो जाता था क्योंकि उसको कार्य की सही नॉलेज नहीं होती थी और वो गलत कार्य कर देता था। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज में डोजो को अपनाया गया। सो फ्रेंड, डोजो कंसेप्ट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन जैपनीज इंडस्ट्रीज। अब सभी कंपनियां जैसे मारुति, होंडा एंड अदर जो कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव है चाहे नॉन ऑटोमोटिव है, सभी कंपनीज डोजो इम्प्लीमेंट करती हैं और अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर के उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं ताकि उससे नंबर ऑफ बेनिफिट्स हो सकें। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। नाउ डोजो ट्रेनिंग्स, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मस्ट बी इंक्लूड इन डोजो। फर्स्ट वन, ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी, सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग, ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग एंड 5S ट्रेनिंग। 5S से रिलेटेड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाती है डोजो में। एंड कंपनी पॉलिसीज, क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, वर्किंग नॉलेज ऑफ मशीन्स, टेस्ट इक्विपमेंट ETC। नेक्स्ट, मटेरियल हैंडलिंग नॉलेज एंड एबनॉर्मल सिचुएशन हैंडलिंग नॉलेज एंड प्रोडक्ट नॉलेज। सो दीज आर। नेक्स्ट, फायर सेफ्टी अवेयरनेस एंड लास्ट वन, फर्स्ट एड अवेयरनेस। सो दीज आर ट्रेनिंग दैट मस्ट बी इंक्लूड इन डोजो। अगर आपको स्मार्ट स्किल डेवलप करके करियर में ग्रो करना है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें। आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर, कैंडिडेट कैन बिल्ड अप हिज स्मार्ट स्किल्स फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू एंड कैन गेट ए गुड जॉब इन गुड ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। फ्रेंड्स, इफ यू वॉचिंग रेडीमेड पेड वीडियोज देन नो यूज फॉर इट, बिकॉज बाई वॉचिंग रेडीमेड पेड वीडियो डाउट्स आर नॉट क्लियर। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड मनी। सो प्लीज ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन।
डोजो एडवांटेजेस, डोजो से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एनहांस द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज़ की स्किल लेवल इम्प्रूव हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट कंट्रोल ऑन एनवीए, एनवीए मींस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग डोजो एंड रिड्यूस रिजेक्शन। नेक्स्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रेज्ड सजेशंस एंड काइजंस फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉयज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज, क्लियर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू वर्क ऑन सोफ्लो। सो फ्रेंड दीज आर बेनिफिट्स ऑफ डोजो। इफ यू ज्वाइन आवर कंप्लीट एडवांस ट्रेनिंग कोर्स एज शोन इन टेम्पलेट देन जॉब गारंटी इज 100% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स। इफ एनी गाइज इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन स्क्रीन। नाउ लेट डिस्कस स्टेप्स ऑफ डोजो इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर द ट्रेनिंग प्लान फॉर डोजो, इट विल बी कैटेगराइज फॉर न्यू एम्प्लॉयज एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। दिस इज द डोजो प्लान। डोजो प्लान जो है न्यू एम्प्लॉयज के लिए अलग होगा एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए अलग होगा, क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज जब भी ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या मैंडेटरी होता है, सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे वो डोजो में कैटेगराइज होता है ट्रेनिंग प्लान में। नेक्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर द ट्रेनिंग मॉड्यूल। जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराओगे उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप प्रोजेक्टर पे या एलईडी पे उसको एम्प्लॉयज को समझाओगे। स्टेप थ्री एग्जीक्यूट ट्रेनिंग एज पर प्लान। आपको ट्रेनिंग का प्लान जो भी आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। जैसे यहाँ ट्रेनर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है डोजो रूम में। नेक्स्ट स्टेप फोर टेक इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग थ्रू क्वेश्चन पेपर। आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग देन यू हैव टू टेक इफेक्टिवनेस ऑफ योर ट्रेनिंग। मीन्स आपको ये चेक करना है ऑपरेटर्स को कितना समझ आया है। ये जो इफेक्टिवनेस आप क्वेश्चन पेपर के थ्रू ले सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। लास्ट वन मेक अटेंडेंस रिकॉर्ड। सो फ्रेंड दीज स्टेप्स आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोजो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।